अस्सलाम वालेकुम, बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वाइट मीट टुना की रेसिपी, जो एक किस्म की बोनलेस फ़िश होती है जो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर तैयार होती है, और ये बहुत ही कम मसालों में और झटपट बनकर तैयार होती है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह बोलकर। हमने यहाँ पर 2 वाइट मीट के डब्बे लिए हैं। इसमें फ़िश के साथ में ऑयल भी होता है, इसके लिए हमें ऑयल का इस्तेमाल कम करना है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। अब हम इसमें 2 बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, उसको हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और कच्चापन ख़त्म होने तक भून लेंगे। अब देख सकते हैं अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें 2 बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे, उसी के साथ हम इसमें थोड़े से कड़ी पत्ता डालेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और ढककर टमाटर को सॉफ्ट होने तक छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को भुनने के लिए ढककर छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके हैं, मसाले और टमाटर बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें वाइट मीट डालेंगे। इस तरह का डब्बा होता है, ऑयल के साथ हमें इसमें डालना है। हमने 2 डब्बों का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। बस हमें 2 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। फिश बहुत जल्दी पक जाती है। आप देख सकते हैं ये बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार बनकर तैयार होता है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलना। कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी हमारी रेसिपी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में हमें याद रखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।